सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज है जो भी इतवार, फ्राइडे है, मैं बता देती हूँ आपको। डेट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, फिर आप बोलते हो मैं हमेशा टाइम और डेट बताती रहती हूँ। तो हम जा रहे हैं शादी के लिए पार्लर देखने के लिए, सैलून, ठीक है। और साथ साथ मेरे साथ एक और जिम्मेदारी मेरी ये बढ़ जाती है कि जैसे कि सगाई पे भी दीदी और के लिए पार्लर किया था दूसरा, मतलब क्योंकि उनको भी रेडी होना है, तो मुझे साथ में वो भी ढूंढना है और अपने लिए भी ढूंढना है। तो दोनों की खोज करने जा रही हूँ कि ऐसा कुछ सूटेबल मिल जाए जो उनके लिए भी अच्छा हो, पास हो उनकी लोकेशन से और मेरे लिए भी। तो अभी मैं हूँ अपने भैया राजा के पास। भैया हाय बोल दो। हेलो। इसको गुस्सा बहुत आता है, ऐसे चिपकने नहीं देता है ये। जल्दी जल्दी कर यार, इसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे ही है ये दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सैलून ढूंढने के लिए, और बने रहना आप लोग, देखते हैं कहाँ जाते हैं। न्यू इलाका है, मैंने गूगल वगैरह किया है, तो जो भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो चल यार, यहाँ पे देखेंगे पहले नियर बाय। कहाँ? तू चल तो ले, जितना बोल रही हूँ। हेलमेट लगा ली? हेलमेट तो हेलमेट लगा लूंगी मैं। कन्या राशि? कन्या राशि बड़ी खतरनाक वाली कन्या राशि है, तू सबसे बोल रही। मेरी कन्या राशि है भी नहीं, ठीक है ना। हेलमेट पहन रही हूँ यार। सो गाइस, अभी हम एक सैलून गए, दूसरे को ढूंढ रहे थे, तो मिला नहीं अभी मुझे वो। तो अभी मैं एक और देखने जा रही हूँ, और पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। माइक मेरे पास है नहीं और इतना जोर से मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह पर। ओए होए, और ये मुझे गाय सांड से ना बहुत डर लगता है यार। और देखते हैं कैसा रहता है। वैसे एक जगह मुझे ठीक लगा, बाकी चलो अभी देखते हैं। तीन चार ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ चीज़ समझ आएगी। सो लेट्स गो। सो गाइस, एक आइडिया हम ले चुके हैं यहाँ पर, और अब मैं सोच रही बाद में आऊँ यार, क्योंकि भाई के साथ वैसे अच्छा है, हर काम अच्छा है, लेकिन सैलून वगैरह का बात बननी वाली है। तो देखती हूँ, या तो अगर अंकित की छुट्टियाँ हुई तो अंकित के साथ आऊँगी, नहीं तो मैं पूजा के साथ आऊँगी, या फिर मेरे को पता लग गया है मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। सब चल रहे हम घर को वापस। गाइस, हम लोग आ चुके थे घर पर। ये है तो सही लिफाफा, क्या रे। सो गाइस, हम लोग आ चुके थे घर पर, और हम जा रहे हैं यहाँ पर। हमने किसी को ना सूट सिलने के लिए दिए थे, एक आंटी है यहाँ पर। नई जगह पे बहुत खोज करना पड़ता है सच में यार, हर चीज़ नई नई, मतलब टेलर ढूंढो, फिर अपना मेकअप का अड्डा ढूंढो, मतलब सब कुछ ढूंढो दो इसके नई जगह पे। मेरा क्या है अभी, ये 2 महीने नई जगह, फिर दूसरी नई जगह, ये तो काहे खत्म नहीं होता है। और एक हमारा टेलर है, वो टेलर अंकल है, मतलब भैया, वो कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे सिलते हैं, ठीक है, मुझे पसंद भी आते हैं। मैं उनसे 5 साल से सिलवा रही हूँ वहाँ पे। लेकिन उनकी खासियत ये है, वो कभी टाइम पे क्यों नहीं करते हैं काम। 2 महीने हो गया, 2 ब्लाउज सिल के दिए हैं, बताओ सगाई के, और अभी मेरे 3-4 कपड़े वहीं और पड़े हुए हैं, वो कब सिलेंगे। अब जो शादी के दूंगी तो मतलब कि मुझे लगता है मेरी पहली सालगिरह आ जाएगी तब सिल के देगा। क्या करें यार, बड़ा हुआ है, हौचपच हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, एक ढूंढी थी हमने एक लेडी टेलर, तो फिर मम्मी ने फिलहाल में ऐसे देखा था कि सूट देख के देखते कैसे सिलते हैं, वो ठीक ठाक सिला है। तो अभी उन्होंने बोला था पहन के देख लो, फिर तुरपाई करेंगे हम। तो वही जा रहे हैं अभी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पर अपना सामान लेकर मार्केट से, और दूध लेने गए थे, हमको दूध ही नहीं मिला, दूध खत्म हो गया मार्केट में, दूसरी मार्केट जाएगा भैया। भैया 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 इधर आओ, भैया इधर आओ ना, भैया इधर आओ ना, भैया इधर आओ, भैया चीजी लेके आना। क्या बोल रहा? चलो भैया। और मेरे सगाई की, अरे कहाँ गए वो ब्लाउज मम्मी? धोने को डाल दिया मम्मी ने वो। मैंने कहा था, क्योंकि मुझे भी ना, वैसे बताऊँ, जब भी मैं कोई नया कपड़ा लेती हूँ ना, तो मेरे को ना उसको डायरेक्टली पहनना ना अच्छा नहीं लगता, वैसे लगता बदन में चुभ रहा है ये, और फिर मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कैसा गंदा होगा क्या होगा। तो फिर मैं उसको पहनने से पहले थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ द कपड़े मेरे धुलते ही हैं, मतलब 95% कहूँ या 99% कहूँ, तो मैं ऐसे नहीं पहनती कपड़ों को। और एक और बात कहूँ,
मैंने ऐसा सुना कि मेरी सास भी नहीं पहनती है, उन्होंने खुद बताया मुझे। मैं वाह बड़ा कोइंसिडेंस, सेम सेम आदत, सेम सेम बट डिफरेंट। तो बस अभी हम आ गए घर पर और भाई ने बोला मैगी खाने का मन है तो मैगी बनाएंगे, और उसका शेक पीने का मन था तो शेक बनाएंगे और पियेंगे। बस यही यार, और ऐसी ब्राइड भाई मेरे को, गाइज आप लोग टिप्स दे दो कि मैं क्या करूँ सुंदर दिखने के लिए शादी में, थोड़े टिप्स दो। कुछ केयर नहीं कर रही मैं अभी, कुछ भी केयर नहीं है। मैं देखती हूँ लड़कियों को इतना कुछ करते हैं अपने, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मतलब ना कोई स्किन केयर, ना कुछ कुछ भी नहीं। और अगर मेरे को सलोन नहीं मिला, मैंने पहले लहंगा नहीं लिया, चूड़ा सैंडल्स ब्ला 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 सो मैनी थिंग्स। मुझे लग रहा है मेरी अब एक की बारी में ना गड्डी की स्पीड खींचेगी वुम करके, और फिर जाकर मैं फटाफट से सब कुछ करूँगी। चलो देखते हैं, अगर अंकित जी को टाइम लगेगा, और बोल तो रहे थे वैसे शायद से कि वो छुट्टी आएंगे तो मैं उनके साथ हो सकता है कि जाऊँ मार्केट, और अगर नहीं आए तो मैं अकेले देखूँगी, मम्मी के साथ जाऊँगी या फिर पूजा को पकड़ूंगी, तो कुछ भी जैसे भी रहेगा आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी मैं, ठीक है। मामा जी लेके आए थे ये खजूर, और अभी तक हमने खाए नहीं। सगाई में लेके आए थे अप्रैल में और ये चल रहा जुलाई। चलो आप लोग बने रहो। सो यहाँ पे आ चुका है हमारा शेक, और शेक किस चीज़ का है ये, और बैठने स्टाइल है ना, टपोरी वाला स्टाइल बना, पापा ने ठीक कर दिया पिज्जा। कौन सा चाहिए ये, मैंगो बनाए बनाना बनाए छोटा सा कुछ, पापा पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स विद बनाना। मैगी मम्मी, मैगी मम्मी बोली या बन रहा है, बताओ। बड़ी कंफ्यूजन है यार दिमाग में कि करना क्या है। मैं तो पार्लर वालों को ही देखी जा रही हूँ, बस देखी जा रही हूँ। आई थिंक ये हर ब्राइड टू बी वाली का हाल होता होगा, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि होता होगा ऐसा। किसी का कुछ पसंद आ रहा है, किसी का कुछ नहीं पसंद आ रहा, किसी का मेकअप ठीक है तो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं, किसी का हेयर स्टाइल अच्छा तो मेकअप अच्छा नहीं है, और किसी का दोनों पसंद आ रहे हैं तो उसके प्राइसेस इतने हाई हैं कि क्या बोले। चलो बट विल हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट फॉर अस, देखते हैं कैसा भी होगा। फिलहाल हम लेते हैं शेक के मज़े। तो दोस्तों यहाँ पर बन गई है कद्दू की सब्जी, और है साथ में दही। ऐसे रात को खानी तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा मन कर जाता है कभी कभी खाने का, गर्मियों में स्पेशली। तो ये हमारा डिनर। मम्मी आप आ जाओ, मम्मा मेरी माँ हमेशा काम पे ही लगी रहती है। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही, थोड़ा सा क्लिप ज़्यादा नहीं, तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और हम कर लेते हैं अपना डिनर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 करो यार। एंड जल्द मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।